वे मेरे को अधमरा करके एक किस्म से मार के और अपनी गाड़ी में पटक कर सरकारी हॉस्पिटल इमरजेंसी के गेट पर फेंक गए। नगली गांव में आज योग दिवस था, तो नगली गांव का ब्रज मोहन नाम के एक आदमी पर योग कर रहा था यहाँ पे राजीव गांधी पार्क में सोना में, तो इनकी पुरानी एनिमिटी चली आ रही थी, इनका कोई कब्जा वब्जा कर रखा था और मेरे दोनों मोबाइलों को लेकर भाग गए। भैया हमारा लड़का तड़की ड्यूटी जा रहा है, सुबह 7 बजे सोने में राजीव पार्क में घेर लिया उन्हें मार के। इन्हें सुबह 7 बजे हम लेडीज से अपने खाना वाना बना रहे अपने घर पे हो जाके हमारी बड़ी बड़ी जिठानियों के साथ लड़ाई करी, कपड़ा फड़ा फाड़े उनके। परिषद के गांव सांप की नगरी के एक युवक को करीब आधा दर्जन लोगों ने उस समय मारपीट कर अधमरा कर दिया, जब युवक सोहना के राजीव गांधी पार्क में आयोजित किए जा रहे योगा में शामिल होने जा रहा था। गांव के ही करीब आधा दर्जन लोग दो गाड़ियों के अलावा एक स्कूटी व मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए व युवक को पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हुए सरिया व लाठी डंडों से हमला बोल दिया। वही हमला करने वाले आरोपी घायल युवक को मौके से अपनी गाड़ी में डालकर सरकारी अस्पताल में छोड़कर पीड़ित के दोनों मोबाइल फोनों को छीनकर वहां से फरार हो गए। मेरे हाथ में मारे था और दोनों पैरों में, वे मेरे को अधमरा करके एक किस्म से मार के और अपनी गाड़ी में पटक कर सरकारी हॉस्पिटल इमरजेंसी के गेट पर फेंक गए और मेरे दोनों मोबाइलों को लेकर भाग गए। ये कब किया था वारदात को अंजाम, किस समय दिया गया था? ये आज सुबह 6:30 बजे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं आज अपने घर से योग दिवस में शामिल होने जा रहा था, जो कि दो गाड़ी, एक स्कूटरी, एक मोटरसाइकिल, जो कि वहाँ गांधी पार्क के वहाँ पर मैं घेर लिया और सतवीर ने मेरे पिस्टल दिखाई और कहा तुझे पिस्टल लगाई और कहा कि आज इसको ख़त्म कर दो परिवार समेत। ये चल रहा जी, और किसने क्या क्या मारा? सरिया मारे और डंडा मारे और हथियार लगाकर मेरे को बंधक बनाकर मारा गया, एक अधमरा करके मेरे को हॉस्पिटल में फेंक कर उन्हें दोनों फोनों को ले। किस बात को लेकर किया आज तो नहीं? इन्होंने सर 1-1.5 साल पहले हमारा आपसी जमीनी विवाद झगड़ा था, इनसे उनके खिलाफ़ FIR दर्ज है, उस FIR में मैं गवाह हूँ और इस रंजिश के चलते हुए इन लोगों ने मेरे को मारा है। आज किस तरह की वारदात को अंजाम दिया था उस समय इन्होंने, क्या किया था? मैं हमारे बकरी बच्चा और आगजनी का अंजाम दिया और महिलाओं के वस्त्र फाड़े थे। पीड़ित घायल ब्रजपाल उर्फ बिरजू ने परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया है कि करीब 1.5 साल पहले नरेश, ओमवीर, सतबीर, नीरज, रामपाल, रामपुर, राजन, प्रवेश आदि लोगों के साथ जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था, जिन्होंने उस समय भी बकरी के रिवाड़े को आग लगा दी, जिसमें कई बकरियों की झुलसने से मौत हो गई, जिसका मुकदमा सोहना सिटी थाना पुलिस में दर्ज और उस मामले में अभी गवाही होना बाकी है, जिसकी रंजिश में आज सुबह नरेश, सतबीर, परविंद्र, नीरज, गुलेश, आकाश आदि लोगों ने मशवरा करके दो गाड़ियों के अलावा एक स्कूटी व एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए, जिनमें से सतबीर ने पिस्टल कनपटी पर लगाई व अन्य लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। घायल अवस्था में उक्त लोग अपनी गाड़ी में जबरन बैठाकर सरकारी अस्पताल में छोड़कर वहां से जान से मारने की धमकी देते हुए दोनों मोबाइल फोनों को छीनकर मौके से फरार हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजनों ने अस्पताल में पहुंचकर घायल को इलाज के लिए दाखिल कराया, जिसके बाद डॉक्टरों ने गंभीर चोटें होने के कारण घायल को गुरुग्राम के लिए रेफर कर दिया। भैया हमारा लड़का तड़की ड्यूटी जा रहा है, सुबह 7 बजे सोने में राजीव पार्क में घेर लिया उन्हें मार के और अपनी गाड़ी में घेर के थाने हम अस्पताल में पटक के और चले गए। कौन लोग थे ये? थानेदार। कौन कौन लोग? ओमवीर थानेदार था, उसको पिस्टल भी थी। अच्छा, वो कई साखों में घमंड दिखाते और कहते हम पे हथियार है, ऐसे ही करके सब मारेंगे एक एक करके। अच्छा, इससे पहले कोई झगड़ा हुआ था? इससे पहले भाई हमारे 1.5 साल से चल रहा झगड़ा था। क्या झगड़ा है? वो जमीन का झगड़ा है। अच्छा, जब क्या किया था इन्होंने? इन्हें सुबह 7 बजे हम लेडीज से अपने खाना वाना बना रहे अपने घर पे हो जाके हमारी बड़ी बड़ी जिठानियों के साथ लड़ाई करी, कपड़ा वपड़ा फाड़े उनके, झगड़ा वगड़ा करके हमें, तो फिर हमने रिपोर्ट कर दी 100 नंबर पे, पुलिस आ गई, पुलिस हमें बैठा कर थाने ले आई और वे पीछे
है कि हमारे बच्चे और हमारी बहड़िया छोटी छोटी उन पे जाकर चढ़ गए, उन्हें गाली गुप्तार दी, फिर उन्हें हम और तो कोई न मिले, हम तो सब थाने में बैठे थे और वे हमारे फिरवाड़े में आग लगा कर आगे अब तो मैं ऐसे निपटांगे। अच्छा, बहु बेटियों से भी खूब गाली वाली दी उन्होंने, जैसी मुँह में आई सी बोले। तो पुलिस ने क्या कहा अब आपसे? पुलिस के भाई हम तो खूब हार लिया, पुलिस के डोल हम उन कहते हुए पुलिस भी हमारी है, मारने वाले भी हम ही है, अब हम पैसा भी हम पे कर लो, हमारा क्या करते। अच्छा, कुंडवा वाले भी हम ही, सब कुछ हमारा है, यानी कि न्याय नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं, हम ना मिल रहा, हम तो 2 साल से 1.5 साल से बोल रहे हैं भाई। अच्छा, बच्चे मिले हम बोल रहे। तो अभी उसकी कंडीशन क्या है और कितनी चोट मारी है? नहीं, उसका भी सीरियस मामला, बिल्कुल बचे ना अभी बचे। कहाँ पे एडमिट है? गुड़गांव में एडमिट है, सेक्टर 10 में। पैर दोनों तोड़ दिए उसके। क्या कितनी चोट मारी है, कहाँ कहाँ मारी? उसकी आवाज भी आ रही, कोई पता बचे या ना बचे, देखने भी नहीं दिया। बादशाहपुर स्पर्श अस्पताल उपचाराधीन घायल का इलाज करने वाले हड्डी रोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर अंकित भाटिया ने बताया कि घायल की उल्टे पैर की जो जगह से हड्डियां टूटी, एक घोड़े के ऊपर से और दूसरी हड्डी घुटने के नीचे से, जिनका ऑपरेशन होना अनिवार्य है। तो किस तरीका से आगे का ट्रीटमेंट होगा? ऊपर वाली जो हड्डी है घुटने से जस्ट ऊपर वाली, उसमें तो ऑपरेशन अनिवार्य है, उसमें करना पड़ेगा, उसमें का ऑप्शन नहीं होता। नीचे वाली हड्डी का दोनों ऑप्शन है, डॉक्टर भी कर सकते हैं और ऑपरेशन से भी काम हो सकता है। दूसरा, अगर घुटने के जस्ट ऊपर वाली जो ऑपरेशन हो रहा है तो नीचे वाली जो ऑपरेशन ज़्यादा अच्छा रहता है, जिससे कि घुटना चलने में हमें सुविधा हो और जल्दी घुटना चल जाए, नहीं तो घुटने जाम होने का डर रहता है। और भी किसी तरीके की चोटें हैं? नहीं, टाके लगे, 2-3 टाके लगे हुए, दूसरे के पास ही जहाँ लगी थी और एक दाहिने सर में वो भी हल्की थी। इस मामले में सोना सिटी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राजेश यादव का कहना है कि पुरानी रंजिश के चलते मारपीट की वारदात को अंजाम दिया, मौका मुआयना किया जा चुका, जांच अधिकारी घायल के बयान दर्ज कर रहे हैं, बयान दर्ज करने के बाद आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। नगली गांव में आज योग दिवस था, तो नगली गांव का ब्रज मोहन नाम का एक आदमी अपना योग कर रहा था यहाँ पे राजीव गांधी पार्क में सोना में। तो इनकी पुरानी एनमिटी चली आ रही थी, कोई कब्जा वब्जा कर रखा था मकान जमीन पे जी, तो उस पक्ष के आदमी ने आके इसके साथ मार पिटाई कर दिया। लेकिन लिखित में कोई किस प्रकार की सूचना नहीं है, वो जो पेशेंट था ब्रज वो यहाँ से रेफर कर दिया। फिलहाल कहाँ है जी? गुड़गांव। गुड़गांव के लिए रेफर कर। तो कंप्लेंट और एमएलसी आ गई है आपके पास? अभी कोई एमएलसी आ चुकी है, लेकिन कंप्लेंट में नहीं दी है, बयान अभी देने के लिए मना। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से विशाल राघव की खास रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।